हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। तो यार एक बार वीडियो को आगे स्किप मत करना, बहुत लोग क्या है यहीं से स्किप कर दे क्योंकि उनको इंट्रो देखना पसंद नहीं है। तो मैं एक चीज बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स दूर है हम 1K से। तो जो भी मेरा प्यारा प्यारा भाई वीडियो देख रहा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर पसंद आ रहा है तो जबरदस्ती कोई भी नहीं है मेरी तरफ से। अगर कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 1K पहुंच जाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं iPhone SE Plus वर्सेज 1 Plus 9, या फिर हम बोल सकते हैं 1 Plus 9 Pro, या फिर iPhone SE Plus या iPhone SE 3। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। स्पेक्स वगैरह, डिजाइन, प्राइसिंग, कब लॉन्च होने वाला, सारा कुछ हम बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। बहुत लोग क्या करते हैं, प्राइसिंग को लास्ट में डालते हैं, लेकिन जिन लोगों को अगर प्राइसिंग ही पसंद नहीं आएगी तो वो वीडियो क्या है आराम से छोड़ के जा सकते हैं, पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंटरेस्ट है तभी पूरी वीडियो देखना। तो बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। सबसे पहले हम बात करते हैं iPhone SE 3 या फिर SE Plus की। तो जो प्राइसिंग निकल के आई थी लीक्स के हिसाब से, वो आई थी $500। अब $500 अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करें तो वो सीधा पड़ता है 35,000। और बहुत जगह सभी लोगों ने, सभी यूट्यूबर्स ने जो है डाला था 35,000, लेकिन हमें भी पता है कि अब इंपोर्ट चार्जेस भी हैं वो भी बढ़ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें। और एप्पल कभी भी सेम डॉलर कन्वर्जन यहाँ पे नहीं लेकर आता, वो हमेशा जो है मल्टीप्लाई करता है 103-104 से। तो इसका प्राइस जो है कम से कम 45,000 से लेके 50,000 के बीच में रहने ही वाला है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी इंप्रूवमेंट्स है। अभी हम आगे पूरी बात करेंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होने वाली है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं 1 Plus 9 या फिर 1 Plus 9 Pro की। तो स्टार्टिंग प्राइस लीक्स के हिसाब से, क्योंकि फोन का पूरा रेंडर वगैरह सब कुछ निकल के आ गया, इन हैंड फोन की वीडियोस भी आ गई है, वो भी आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। तो जो फोन की प्राइसिंग है वो आती है 46,900 के साथ, मतलब 47,000 हो गया। और जो 1 Plus 9 Pro या जो भी निकल के आएगा नाम उसका, वो 50,000 में मिलेगा। तो प्राइस पॉइंट पे दोनों फोन जो है सेम है, तभी मैं इन दोनों फोन का कंपैरिजन कर रहा हूँ। बिफोर लॉन्च, आफ्टर लॉन्च भी हम करेंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि देखो यार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एंड्रॉइड भी यूज किया होता है, जिन्होंने iOS भी यूज किया होता है। अब जो लोग दोनों चीज के साथ फेमिलियर है तो वो कोई भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें उनको ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट मिलेगी वो उस फोन के साथ जाएंगे। अगर किसी का स्पेसिफिक है कि उसको एंड्रॉइड लेना है तो फिर वो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, या फिर किसी का स्पेसिफिक है कि उसको iOS के साथ जाना है, एप्पल के साथ जाना है, तो कोई वीडियो देखने का मतलब नहीं बनता। अगर कोई भी कंफ्यूज होता है दोनों फोन के बीच में, जिसको दोनों जो है वर्जन के साथ फेमिलियर है, चाहे वो iOS हो चाहे वो एंड्रॉइड हो, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिजाइन की। तो डिजाइन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, iPhone SE 3 या फिर iPhone SE Plus, हमको ये इतना अच्छा फोन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे सिंगल कैमरा है, साथ में टच आईडी देखने के लिए मिल रही है, और 6.1 की स्क्रीन मिल रही है। ये SE पहला मॉडल होगा जिसमें आपको 6.1 की स्क्रीन मिलने वाली है, और कोई भी आपको जो है फुल स्क्रीन मिलने वाली है, अच्छी स्क्रीन मिलने वाली है। अब देखना है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आती है इसकी डिटेल में, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग लीक्स पे बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हो 1 Plus 9, और ये तो कोई लीक वगैरह नहीं, क्योंकि ये फोन डायरेक्ट आपको हाथों में दिख रहा है, हैंड्स ऑन व्यू है फोन का। तो ये फोन तो बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है, और इसका लीक भी बहुत पहले निकल के आ गया था। अगर हम बात करें SE के कंपैरिजन में तो दोनों ही फोन अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि प्रीमियम फोन कौन सा दिखता है तो वो डेफिनेटली एप्पल का दिखता है, iPhone SE 3 या फिर iPhone SE Plus बोल सकते हैं। मैं पूरी वीडियो में iPhone SE Plus बोलने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो नाम है वो iPhone SE Plus ही होने वाला है, क्योंकि ये फोन जो है 6.1 आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो उस हिसाब से इस फोन का जो है नाम iPhone SE Plus होगा। तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होना। 1 Plus 9 मेरे को पर्सनली देखने में इतना अच्छा नहीं मिला, डेफिनेटली मेरे को 1 Plus के फोन बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये फोन बिल्कुल वैसा ओप्पो वीवो की तरह निकाल दिया है, दो कैमरे ऐसे। तो मेरे को पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे को ये फोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया लुक्स के मामले में, क्योंकि प्रीमियम अगर हम बात करें, अगर फोन हो तो वो अंदर से भी अच्छा होना चाहिए और बाहर से भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं उस पॉइंट पे जो है इसमें iPhone SE Plus को 10/10 दूंगा, और यहाँ पे इसको 5/10 दूंगा, क्योंकि मेरे को पर्सनली जो है इसके लुक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो हम लोग बात कर लेते हैं स्पेक्स की। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं iPhone SE Plus के स्पेक्स की। तो यहाँ पे हमको जो है 6.1 की LCD डिस्प्ले मिलती है और 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। अभी हमको डेफिनेटली यहाँ पे 120 या 90Hz का रिफ्रेश रेट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो जो उनके मेन मॉडल्स होते हैं iPhone 13, iPhone 14, जिसमें भी आएगा आपको उसी में देखने के लिए मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है लेटेस्ट A14 बायोनिक चिप, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं iPhone 12 Pro Max यूज कर रहा हूँ और मेरे को इतना मजा आ रहा है परफॉर्मेंस की, अगर हम बात करें चाहे वो गेमिंग हो, कोई भी काम करना हो। और बैटरी लाइफ से बहुत ज्यादा अच्छी है प्रो मैक्स की स्पेशली। मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक जो है इसको यूज करता हूँ, रात के 10-11 बजे तक, और बैटरी सिर्फ 20-25% तक जाती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सेम ये जो पूरा कमाल रहता है इसी फोन में रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आई है हमारे पास A14 बायोनिक चिप, साथ में हमारे पास दो कैमरे आ रहे हैं, बैक में आ रहा है 12 मेगापिक्सल का और फ्रंट में
आ रहा है आपके पास 7 मेगापिक्सल का, और आईफोन के कैमरा के बारे में मेरे को कुछ बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आप लोग जानते ही हो। बात करें रैम की तो 3 GB रैम आ रही है इस फोन में, और स्टोरेज आपको 64, 128 और 256 के ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पे 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलने वाला है, जैसा आपको भी आईफोन 12 में मिला टाइप सी के साथ जो है उसकी वो रही है, और लाइटनिंग में आपका इन कनेक्शन रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है अगेन। और डेफिनेटली हमको बॉक्स में कोई भी चार्जर वगैरह नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक बार जो चीज़ एप्पल ने चला दी वो वापस वो कभी भी नहीं करता, और स्पेशली अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की तो एप्पल बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है एनवायरनमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की, तो बैटरी कैपेसिटी ठीक है अगर हम बात करें आईफोन SE सेकंड जनरेशन से, तो मैं थोड़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखना चाहता था एप्पल की तरफ से, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अगर हम बात करें आईफोन SE सेकंड जनरेशन की, तो यहाँ पे 1821 mAh की बैटरी निकल के आती है अगर हम बात करें लीक्स की। बाकी देखना अगर कोई इंप्रूवमेंट आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट जो है कर दूंगा इसके ऊपर। तो हम बात कर लेते हैं OnePlus 9 Pro या फिर OnePlus 9 के स्पेक्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ मेरे को यहाँ पे डे और नाइट का डिफरेंस मिल रहा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को OnePlus 9 के स्पेक्स एप्पल के आईफोन SE से बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मेरे को। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे को बॉडी वाइज OnePlus नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी, आईफोन ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो प्रीमियम ज़्यादा दिख रहा है रेंडर्स की बात करें तो, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इन परफॉर्मेंस की तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है OnePlus की। मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, हमको यहाँ पे प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपड्रैगन 888, 8 GB रैम मिल रही है, डिस्प्ले यहाँ पे जो है थोड़ी सी बड़ी है OnePlus की, यहाँ पे है 6.54 inches की डिस्प्ले, और आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। बात करें कैमरा की तो 48 मेगापिक्सल की, मैं कैमरा पे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं करूँगा क्योंकि सभी को पता है कि कैमरा सिर्फ और सिर्फ आईफोन के अच्छे होते हैं अगर हम बात करें कलर और वो की, सब कुछ ज़्यादा जो है अच्छा होता है वो आईफोन का, तो मैं यहाँ पे कैमरा की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट और बैक आपको मैं बता दिया, 48 मेगापिक्सल के 2 कैमरा और एक प्राइमरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का। बात करें तो बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी है आईफोन से, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है, 4500 mAh की बैटरी आपको यहाँ पे मिल रही है, प्लस आपको USB टाइप सी मिल रहा है जैसे आपको एप्पल में मिलता है, लेकिन वो इन नहीं वो आउट में मिल रहा है, वहाँ पे लाइटनिंग मिलता है आपको। तो ये थे स्पेक्स, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे एक पैर आगे है हमारा OnePlus, और एप्पल जो है थोड़ा सा पीछे है, यहाँ पे एप्पल ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई लीक्स के हिसाब से चल रहे हैं, अभी हमको ये भी नहीं पता कि ये फोन की कॉन्फर्मेशन है या फिर नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं लॉन्च डेट के बारे में, तो यहाँ पे OnePlus की तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे हमको फेब एंड या फिर मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में जो है हमको लॉन्च यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा OnePlus 9 या फिर OnePlus 9 Pro का, क्योंकि यहाँ पे हमको बिल्कुल रेडी है, सब कुछ रेडी है, रेंडर्स निकल के आ गए, हैंड्स ऑन व्यू निकल के आ गए, सब कुछ यहाँ पे रेडी है। अगर हम बात करें आईफोन SE 3 या आईफोन SE Plus की, तो यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड ऐसा कोई भी लीक निकल के नहीं आया है। और अगर हम बात करें पिछले साल की, तो SE 2020 जो आया था वो मार्च आया था, और अप्रैल 15 मतलब लीक्स निकल के आए थे मार्च में, और अप्रैल 15 में जो है फोन निकल के आया था। तो सेम वे हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं SE Plus या SE 3 के लिए भी, कि मार्च में लीक्स आएंगे फाइनल वाले और अप्रैल में जो है हमको फोन मिल जाएगा। तो ये थी पूरी मेरी आज की वीडियो। अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की, तो परफॉर्मेंस वाइज मेरे लिए OnePlus ज्यादा ऊपर है, और अगर मैं बात करूँ डिजाइन की लुक्स वाइज तो मेरे लिए आईफोन ज्यादा ऊपर है। बाकी आप लोग बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, और जैसे मैंने बताया इस बार आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, कंटेंट पसंद आया तो सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर है 1K के गोल से। थैंक यू सो मच, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।